हमारी बंदूकों में से अभी सुनिए धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। बंदूक से धुएं की जगह गोली निकालने वाले की निकली हेकड़ी। सपा विधायक के पेट्रोल पंप पर चला बाबा का बुलडोजर। बाबा योगी से टकराने की शहजिल इस्लाम को मिली सजा। कहते हैं जब सामने वाला ज्यादा मजबूत हो तो सोच समझकर ही बोलना चाहिए और शब्दों की मर्यादा तो कभी लांघनी ही नहीं चाहिए। लेकिन विधानसभा में सपा के विधायकों की संख्या क्या बढ़ी, शहजिल इस्लाम के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आओ देखा ना ताओ और लगे बाबा को धमकाने। अब बाबा सीएम योगी भी कहां कम थे, उन्होंने बोली का जवाब बुलडोजर से दे डाला तो सपा विधायक के पसीने छूट गए और लगे गिड़गिड़ाने। मतलब बाबा की एक ही कार्रवाई से विधायक जी के हाथ पांव फूल गए। लेकिन जरा रुकिए, आपको पहले ये समझाते हैं कि आखिर कौन सी क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में बुलडोजर गरज रहा है। आपको शहजिल इस्लाम का पुराना बयान सुनाते हैं जिसमें सीएम योगी को धमकाते हुए वो अपनी सीमा लांघ गए। दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हरदिल अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने, तो अगर उसके मुंह से भी आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से तो सुना आपने कैसे जोश से लबरेज सपा विधायक शहजिल इस्लाम ये भूल गए कि जिस बाबा को वो खुलेआम धमकाने की हिम्मत दिखा रहे हैं वो बाबा सिर्फ भजन नहीं करते हैं बल्कि बुलडोजर भी चलवाते हैं। अब जोश जोश में विधायक जी ने धमकी तो दे दी लेकिन जब बाबा का बुलडोजर गर्जा तो लगे विधायक जी हाय तौबा मचाने। दरअसल बरेली जिले के पारस खेड़ा में विधायक जी का पेट्रोल पंप है। आरोप है कि बरेली के भोजीपुरा से सपा के विधायक ने सत्ता की हनक में बिना नक्शा पास करवाए ही ये पेट्रोल पंप बनवा लिया। अब जब तक चुपचाप थे तब तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जब बोला तो ऐसा बोला मानो मुंह से बोली नहीं बल्कि गोली ही निकाल रहे हैं। अब यही मिस्टेक माननीय विधायक जी को इतनी भारी पड़ गई कि बीडीए ने पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला दिया। तभी तो कहते हैं कि भैया मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं लौटती है। तो काहे ऐसा बयान दिया, बयान तो कम से कम सोच समझ कर ही देना चाहिए था। खैर अब लोग विधायक जी को सलाह दे रहे हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा, अगली बार जब ये बयान दें तो जरा सोच समझ के दीजिएगा, जरा आजू बाजू देख लीजिएगा कि कोई सुन तो नहीं रहा है। काहे कि भैया इस बार तो पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला है, अगली बार पता नहीं बाबा का बुलडोजर कहाँ चल जाए। यही तो वजह है कि सीएम योगी अब बाबा बुलडोजर के नाम से कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गए हैं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।